अभी मैं आसमान के ऊंचाई पे, यहाँ पे सब कोहरा ही कोहरा है। नमस्ते हबीबी, आज का हमारा आर्मेनिया में तीसरा दिन है और आज के दिन हम बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पे जाने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा लास्ट डे है, आज के दिन हम सोच रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। पहले हम आज जाएंगे एक छोटे से फ्ली मार्केट में, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक तसगदर करके जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होता है और स्की रिसोर्ट भी है, तो वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे लेक सेवन, जो यहाँ का मोस्ट पॉपुलर लेक है, वहाँ पे भी जाएंगे। और उसके बाद दो तीन ऐसे स्पॉट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है एकदम शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। अभी हम आर्मेनिया के एक फ्ली मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पे फ्ली मार्केट में बहुत यूनिक यूनिक चीज़ है। तो मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे ना, चेस के बहुत यूनिक डिज़ाइन है जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, बहुत रिच डिज़ाइन है। इसका रीज़न ये है कि आर्मेनिया में चेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। चेस जो है वो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट भी है, और जो बच्चे स्कूल में रहते हैं तो उनको चेस का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे चेस, बच्चे जो है वो चेस बहुत खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे चेस मिलेगा, या फिर पोमोग्रेनेट के बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मिलेंगे, क्योंकि पोमोग्रेनेट जो है ये इनका नेशनल फ्रूट भी है। तो ये फ्ली मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, मैं अभी आपको वीडियो में थोड़ी कुछ दिखाऊंगा भी। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे केबल रोप है। केबल रोप मेरा सबसे फेवरेट है, इसके पहले भी मैं एक बार गया था, तब भी मैंने केबल रोप पे किया था। तो अभी हम केबल रोप पे जा रहे हैं। अभी मैं आसमान के ऊंचाई पे, यहाँ पे सब कोहरा ही कोहरा है। बहुत ज्यादा कोल्ड है यार, लेकिन मजा आ रहा है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, मस्त एकदम। हाँ रे, वाओ। गाइज, अभी हम तजगेदर से लेक सेवन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लेक सेवन के बारे में तो मैं बताऊंगा, मेरे पीछे ही है। लेकिन लेक सेवन के जाते वक्त ना, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, फिश रेस्टोरेंट। तो लेक सेवन में जितने भी फिश होते हैं वो डायरेक्टली वो कैच करते हैं, और ये रेस्टोरेंट में आपको वो फ्रेशली सर्व करते हैं। उनका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं अभी वो उसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कुछ तो डालूंगा। तो जब भी आप आर्मेनिया आओगे, और तो ये चीज़ या ये फूड आपको मस्ट ट्राई करना है, क्योंकि हमने ट्राई किया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। तो इसीलिए जब भी आर्मेनिया में आओगे, आप लेक सेवन के यहाँ जाओगे, तो ये होटल का नाम भी या रेस्टोरेंट का नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो फूड आपको मिस नहीं करना है। अभी इसके बाद हम एक पॉइंट है जहाँ से लेक सेवन का पूरा व्यू दिखता है, वहाँ पे जाएंगे। और लेक सेवन के बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊँगा, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसने आर्मेनिया को कैसे हेल्प किया, ये सब मैं बताऊँगा। तो चलो लेक सेवन की ओर। तो अभी हम आ चुके हैं लेक सेवन पे, ओके। तो लेक सेवन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहली ये बात है, ये लेक सेवन जो है ये आर्मेनिया का सबसे बड़ा लेक है, और शायद दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट लेक है। इस लेक, ये जो लेक है, जो येरवन है, येरवन से 9 times बड़ा ये लेक है। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो, दिस इज ओनली 10%। आप जो मेरे पीछे ये पूरा देख रहे हो, ये सिर्फ 10% है, और बाकी का इस माउंटेन के
पीछे वाले साइड पे भी है। ओके, तो ये लेक जो है इसका आर्मेनिया के हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब 1990 के टाइम पे आर्मेनिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, सेम टाइम पे उनका अजरबैजान के साथ और टर्की के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, और जॉर्जिया इटसेल्फ थोड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस में था। वो टाइम पे आर्मेनिया के लिए बिजनेस के लिए कोई भी रूट नहीं था, सिर्फ ईरान का रूट था। तो वो टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब होने के बावजूद भी ये लेक सेवन में जितने फिश है वो खा के एक साल तक ये आर्मेनिया के पॉपुलेशन ने सर्वाइव किया है। इसलिए लेक सेवन जो है वो आर्मेनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि आर्मेनिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब क्या होता है कि वो कंट्री के साइड पे या फिर कोई भी बॉर्डर पर समुंदर नहीं होता, लेकिन देखो ना नेचर ने इनको लैंडलॉक कंट्री बनाया, फिर भी इनके पास ये लेक सेवन है जो किसी समुंदर से कम नहीं है। तो ये लेक सेवन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और यहाँ पे ठंडी भी बहुत है, मतलब अभी जब हम बर्फ पे गए थे जहाँ पे हमने केबर कार यूज़ की थी, वहाँ से भी ठंडा क्लाइमेट यहाँ पे -1 -2 के आसपास यहाँ पे क्लाइमेट है। तो अभी सनी है, इसके वजह से थोड़ा सा अभी ओके हुआ है। और हमारा जो गाइड है उसने हमें ये बताया कि जब यरवान में टेम्परेचर कम हो जाता है या फिर आर्मेनिया में विंटर सीजन में, ये पूरा का पूरा लेक जो है वो भी फ्रीज हो जाता है। तो अगर आप आर्मेनिया आते हो तो लेक सेवन विजिट करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही गाइगेंटिक है, सामने पहाड़ भी है, व्यू बहुत क्लियर है, बहुत ही अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग जगह है। तो आप लेक सेवन पे आना है आपको, और जो मैंने फिश का रेस्टोरेंट बताया वहाँ पे भी आपको फिश खाने हैं। अभी लेक सेवन के बाद हम जा रहे हैं अभी फिर से यरवान में। तो यरवान में सिटी में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, क्योंकि यरवान की सिटी टूर भी हमने नहीं की है। यरवान सिटी में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, तो अभी हम यरवान सिटी में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कैस्केड कॉम्प्लेक्स है या फिर फ्रीडम स्क्वायर है और दो चार स्पॉट है वो भी देखेंगे। तो अभी लेक सेवन या फिर जो आर्मेनिया का आउटर साइड है वो अभी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, तो अभी हम सिटी में जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट स्पॉट के ऊपर। तो अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं, इसका नाम है लिविंस अंडरग्राउंड म्यूजियम। तो यहाँ पे एक लिविंस करके एक बंदा था, और उनके ड्रीम में एक बार आया था कि आपको आर्मेनिया में इस जगह पे आपको थोड़े सा डिगिंग करना है, मतलब थोड़ी सी खुदाई करनी है। तो उन्होंने सोचा हाँ यार मैं खुदाई करता हूँ, तो उन्होंने वो स्टार्ट की और उनके ड्रीम में फिर से आने लगा कि फिर से मुझे खुदाई करनी है। तो अभी उन्होंने 21 मीटर तक, मतलब लगभग 7 स्टोरी बिल्डिंग होती है, उतना डिगिंग किए हैं। तो ये उसको अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, तो वो म्यूजियम में हम आए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो हैंडमेड है, मतलब वो टाइम पे इलेक्ट्रिक मशीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक ही बंदे ने अपने हाथ से ये पूरा बनाया है। तो अभी मैं जैसे जा रहा हूँ, ये 21 मीटर ग्राउंड मतलब जमीन के नीचे है, यहाँ पे उन्होंने बनाया। वो टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने बनाया ये है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, अभी इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, उन्होंने स्टेयर्स भी बनाई है देखो ऐसे। तो अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं, नाउ अभी हम डिपेस्ट पॉइंट पे, दिस इज 21 मीटर अंडरग्राउंड, वो हाथ से बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत इन्फॉर्मेशन भी दी है कि और क्या 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 कैसे कैसे बनाया है। तो यार ये गजब से बनाया है इन्होंने, मतलब पूरा यूनिक कंसेप्ट है। वो मानजी द माउंटेन मैन कैसे है, उसके दिमाग में आया भाई मेरे को खुदाई करनी है, पहाड़ को तोड़ना है, ऐसा ही कुछ तो इधर किया। उसके सपने में आया था कि मुझे ये जमीन के नीचे खुदते रहना है, खुदते रहना है। आ गया भाई ने 21 मीटर नीचे ये किया, डीप किया, और इसके अंदर उन्होंने रूम भी बनाई, डिजाइनिंग भी बनाई। अभी देखो मैं अभी ये रूम में आ गया है, ये देखो ये ऐसी बहुत बड़ी ऐसी रूम है। ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस उन्होंने पहले कार्व किया था। ये क्रॉस कार्व करने के बाद उनके सपने में आया कि तुमको और नीचे डीप करना है। तो ये पहले कार्विंग था यहाँ से 1985 में। उसके बाद वो और नीचे 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 गए और उन्होंने ये 21 मीटर डीप किया। तो यहाँ से वो शुरुआत हुई थी।
ये है मिस्टर लिविन जिन्होंने ये पूरा कार्विंग किया है। तो उन्होंने जब कार्विंग किया था ये रिसेंटली 2009 में इनका देहांत हो गया और ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन्होंने यूज की। ये देखो आप ये देख सकते हो सब इन्हीं की सहायता से उन्होंने ये सब किया। लेटर स्टेज में उनको बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स देने की ट्राई की या फिर ये देखो जो मॉडर्न थोड़े ये होते नहीं औजार वो देने की ट्राई किए लेकिन उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दिया। वो बोला नहीं जो मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ वही मैं यूज़ करूँगा। सो इट्स अ डेडिकेशन, वो उनका ड्रीम था वो उन्होंने अचीव कर दिया एंड 2009 में उनका देहांत हो गया। अभी हम आर्मेनिया के गलियों में से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि आर्मेनिया के गलियों में क्या क्या है। एकदम शांत है यहाँ पे, बहुत क्वाइट है, थोड़ी देर शाम का समय है, प्लीजेंट है और अभी थोड़े बादल भी है तो शायद बारिश भी हो सकती है। तो देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं क्योंकि सुबह से हम बाहर घूम रहे हैं तो थोड़ी सी थकावट भी हुई है। हम लेट्स सी क्या क्या कवर कर सकते हैं सिटी में। तो अभी हम आ चुके हैं कैस्केड कॉम्प्लेक्स के इधर, आर्मेनिया का सबसे फेमस कॉम्प्लेक्स में से एक है। अगर आप आर्मेनिया आते हो तो आर्मेनिया का कोई भी फोटो देखते हो तो इसमें आपको कैस्केड कॉम्प्लेक्स ज़रूर देखने मिलेगा। तो एक कैस्केड कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया है इसका कुछ मुझे स्टोरी नहीं पता, लेकिन इसके जो पहले के तीन लेवल्स है उस लेवल्स पे म्यूज़ियम है और उसके ऊपर एक कोई मॉन्यूमेंट भी है। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर से पूरे आर्मेनिया सिटी का व्यू अच्छे से दिखता है। तो अभी मैं तो ऊपर नहीं जा रहा हूँ लेकिन ये कैस्केड कॉम्प्लेक्स अपने आप में बहुत अच्छा है, फ़ोटो निकालने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है और जो सिटी का मेन एरिया है मतलब सिटी सेंटर उससे ये एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो आपका होटल अगर सिटी सेंटर के आसपास होगा तो आपके लिए ये वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ पे लोग शाम को आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा है ना टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो ये अच्छी जगह है, आप अगर आर्मेनिया आते हो तो ये ज़रूर देख लेना। चलो अभी आर्मेनिया में से हमारा आज का तीसरा दिन भी ख़त्म हुआ, तो आज भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग जो प्लेसेस है वो कवर किए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आर्मेनिया के रिलेटेड मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं या फिर दुबई के रिलेटेड मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जाके चेकआउट करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं तो ऐसे वीडियो अगर आपको मिस नहीं करने हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अनिकेत, आप देख रहे थे नमस्ते हबीबी।